कुछ सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि डेनमार्क में मुस्लिम समुदाय के लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है। खुद को साथिया फाउंडेशन लखनऊ की नगर अध्यक्ष बताने वाली काजल मिश्रा ने ऐसा ही एक ट्वीट किया। ट्विटर पर कई लोग ऐसा दावा कर रहे हैं और इनमें से कई ट्वीट्स को 1000 से अधिक लाइक्स भी मिले हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के कई दावे देखने को मिले, लेकिन सच्चाई ये है कि असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। गूगल पर कीवर्ड सर्च करने से हमें डेनमार्क में मुस्लिम लोगों से वोटिंग का अधिकार छीने जाने की कोई खबर नहीं मिली। डेनमार्क सरकार की वेबसाइट पर मिली जानकारी के मुताबिक हर वो नागरिक वोट दे सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और वो डेनमार्क, ग्रीनलैंड या फिर फेरो आइलैंड का स्थायी निवासी है। इसमें कहीं भी धर्म के आधार पर वोटिंग के किसी भी प्रकार के अधिकार की बात कहीं नहीं लिखी गई है। अक्टूबर 2019 में खबर आई थी कि डेनमार्क ने इस्लामिक स्टेट जैसे मिलिटेंट ग्रुप में शामिल होने के लिए विदेश गए लोगों की डेनिश नागरिकता समाप्त करने का कानून बनाया था। रॉयटर्स में 14 अक्टूबर 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों का मानना था कि 2012 से डेनमार्क के कम 158 लोग सीरिया या इराक में आतंकवादी इस्लामिक ग्रुप्स में शामिल हो गए थे, जिनमें से लगभग 27 लोग कॉन्फ्लिक्ट क्षेत्र में बने हुए थे। यही बात 24 अक्टूबर 2019 को पब्लिश हुई DW न्यूज की रिपोर्ट में भी बताई गई है। इसके अलावा एक बात और, 2017 में डेनमार्क की कुल जनसंख्या 58 लाख थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल जनसंख्या का 5.3%, मतलब 3 लाख से कुछ ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वहां मौजूद है। इन 3 सालों में जाहिर सी बात है ये संख्या बढ़ी होगी, और किसी भी देश में लाखों वोटर्स से अचानक उनके वोटिंग अधिकार छीन लिए जाने की बात बेबुनियाद मालूम पड़ती है। इस तरह सोशल मीडिया का यह दावा पूरी तरह से गलत साबित होता है कि डेनमार्क ने मुस्लिमों से वोट का अधिकार छीने जाने का कानून बनाया है।